नगर निगम क्षेत्र को प्लास्टिक कैरी बैग मुक्त करने के लिए निगम द्वारा अभियान छेड़ा गया है। छत्तीसगढ़ शासन ने भी प्लास्टिक कैरी बैग को पूरी तरह से बैन कर दिया है। इसी के मद्देनजर नगर निगम द्वारा प्रतिदिन अलग अलग क्षेत्रों में टीम बनाकर चेकिंग कर प्लास्टिक कैरी बैग पाने पर उसे जब्त कर दुकानदार पर जुर्माने की कार्यवाही की जा रही है, जिससे दुकानदारों में हड़कंप मचा हुआ है। रायगढ़ नगर निगम क्षेत्र को प्लास्टिक कैरी बैग मुक्त करने के लिए निगम द्वारा अभियान छेड़ा गया है। छत्तीसगढ़ शासन ने भी प्लास्टिक कैरी बैग को पूरी तरह से बैन कर दिया है। इसी के मद्देनजर नगर निगम द्वारा प्रतिदिन अलग अलग क्षेत्रों में टीम बनाकर चेकिंग कर प्लास्टिक कैरी बैग पाने पर उसे जब्त कर दुकानदार पर जुर्माने की कार्यवाही की जा रही है। नगर निगम का दल केवड़ाबाड़ी बस स्टैंड से लेकर के धीमरापुर चौक के सभी दुकानों में प्लास्टिक कैरी बैग चेकिंग करने पहुँचा। इस अभियान में निगम के अधिकारी एवं कर्मचारी मौजूद रहे। 20 से 25 किलो प्लास्टिक कैरी बैग आधा दर्जन दुकानों से जब्त किया गया और उन पर कार्यवाही भी की गई। निगम के कर्मचारियों ने बताया कि यह मुहिम निरंतर जारी है। अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग दिन में टीम जाकर प्लास्टिक कैरी बैग के खिलाफ कार्यवाही कर रही है और पाए जाने पर उसे जब्त किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा भी पहले मुनादी कराकर कैरी बैग पर प्रतिबंध की जानकारी सभी दुकानदारों को दे दी गई थी और सख्त हिदायत दी गई थी कि कोई भी प्लास्टिक कैरी बैग का उपयोग ना करें, उसकी जगह पर कपड़े की थैली या कागज के बने थैलों का करें। पर कई दुकानदारों द्वारा प्लास्टिक कैरी बैग के उपयोग की सूचना मिलने पर निगम द्वारा कार्यवाही की जा रही है। एक केवड़ाबाड़ी बस स्टैंड से डिमरापुर तक प्लास्टिक की कार्रवाई की जानी है। ये सब शासन के निर्देशानुसार छत्तीसगढ़ में टोटल ही बंद है प्लास्टिक। मुनादी करवाने के बाद और बार बार इतला करने के बाद भी ये दुकानदारों द्वारा प्लास्टिक यूज कर रहे हैं, जिससे कई प्रकार के जानवर को नुकसान पहुँच रहा है। और शासन का सख्त निर्देश है, जुलाई के बाद कोई किसी भी प्रकार की प्लास्टिक नहीं चलेगी। और अभी प्लास्टिक पे यही कार्रवाई की जा रही है। कितने माइग्रेंट का चलना है कि क्या है? प्लास्टिक तो पूरी बंद है। प्लास्टिक का इस्तेमाल ही नहीं करना है? प्लास्टिक का इस्तेमाल नहीं करना है। या तो ग्राहक कपड़े के झोले लेके आए, या फिर दुकानदार यदि बेचता है तो उसका पैसा उनसे लें और झोला में दें, या फिर वो पतला कपड़ा का झोला एक आता है उसका। लगभग कितना जब्त किया जा रहा है? लगभग अभी 15 से 20 किलो हम लोग जब्त कर लिए हैं 3-4 दुकानों में। और पिछले बार भी कार्रवाई की थी तो उसमें काफ़ी मात्रा में मिला था? हाँ, पिछले बार की गई थी उसे 60 से 70 किलो प्लास्टिक की जब्ती किया गया था। झोला बैंग कुछ बन रहा है? हाँ, शहर में झोला बैंग भी बन रहा है, ताकि उस दुकानों से झोला वो लेके सामग्री क्रय किया। रायगढ़ से सुरजीत कौर की रिपोर्ट, ACN 24।